एक दुलत्ती और दे भाया, धरती पे आसमानी काया। एक दुलत्ती और दे भाया, धरती पे आसमानी काया। कौन है बोझा कौन सवारी, किसकी थी बारी किसने चलाया। आगे सड़क है अटपटी, सौर थीले फटफटी। आगे सड़क है अटपटी, सौर थीले फटफटी फटफटी, सौर थीले फटफटी। काली फ्लावर? अरे काली फ्लावर नहीं है। होता है, होता है। C for cauliflower, D for donkey। अच्छा, अच्छा ये बताओ कि हम बना क्या रहे हैं? बताओ, बताओ। बताओ ना क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो? बताओ ना। हाँ। और ये बन गया। टन टन। ले जा बेटा। ये A for airplane, zoo, zoo, zoo। क्या कर रहा है सोनू? Zoo, zoo, zoo। गिर जाएगा। ये कोई खेलने की जगह है? मम्मी स्कूटर, मम्मी मम्मी स्कूटर। स्कूटर? क्या स्कूटर? स्कूटर। स्कूटर? इधर आ बाबू। स्कूटर। क्या स्कूटर? स्कूटर, स्कूटर। क्या स्कूटर? स्कूटर। भूख लगी है? नहीं, स्कूटर। स्कूटर इधर। सॉरी। ये जो ऊपर है ना, ये शीला भाभी है, लैंड लेडी। अरे ओ नवाब जादे, थोड़ा हाथ लगा दे। हाँ। ये भारी है। नमस्ते। बस कर, बस कर। नो फॉर्मेलिटी प्लीज। सुन तो जी, तो हो गई शादी फिर? हाँ, एड़ियां घिस गई मंदिर के चक्कर काटते काटते। तेरे पति को कोई लड़की पसंद आए तब ना। इसके हाई स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचे हैं, आई टेल यू। देखू तो कौन सी मिस वर्ड लेके आया है। हाँ?
एम गॉड वेरी फाइन वेरी फाइन. फुल सेक्सी है ये तो. भूषण भाई देर से दफ्तर जाने की आदत डाल लो अब. क्यों? लो स्टूपिड मैन ही रहना तुम. सुबह टाइम पे उठोगे तब ना जाओगे दफ्तर. हाँ तो व्हाट योर नेम जी? आशिमा. आशिमा जी क्या भारी भारी नाम है. आशिमा बट भूषण. कार्ड छपता तो जरूर स्पेलिंग मिस्टेक होता. अब देखो इनके बिना इस कार्ड में कभी लोढ़ा नाम तो ठीक से छपा ही नहीं, कभी लोढ़ा तो कभी कुछ. हंसते हैं लोग. हाँ आई टेल यू. तो मैंने कही फर्स्ट नेम छपा लो बलदेव है कि नहीं. तो और कौन कौन है घर में? बस मैं और मामा मामी. और मम्मी पापा? नहीं. ये लो ये भी. जब तेरा पति पहली बार घर ढूंढते हुए आया तो मुझे बोला मेरा कोई नहीं है. तो मैंने बोला कोई नहीं तो चल कोई नहीं, ये शीला भाभी है ना. माँ बाप ही सब कुछ होते हैं क्या. अब तो मेरे भी नहीं रहे तो मैं मर गई क्या. पेप्सी लेके आती हूँ. क्या बिजनेस है उनका? कौन? आपके हस्बैंड? अरे वो हमारा टॉयलेट का बिजनेस है जी. जी अरे वही तो सुपर हिट है आजकल. 1 BHK 2 BHK सर्वेंट क्वार्टर. इस पूरे मोहल्ले में ही 8 PG है हमारे. पर गर्ल्स ओनली. तेरे पति जैसा अच्छा लड़का मिलता कहाँ है आजकल है कि नहीं. भाभी अब चलते हैं, वो थोड़ा कमरा हमारा ठीक करना है ना, कैसा ना पहले दिन ही भाग जाए, सफाई करनी है. हाँ हाँ जी शादी के पहले दिन तो बड़े काम होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था. जाओ जाओ. और हाँ स्टॉप पे टाइम बर्बाद मत करना, खाना मैं भिजा दूंगी. हाँ थोड़ा इंटरवल लेके खा भी लेना. ठीक है. अरे बस बस अच्छी लड़की है. चलते हैं. कैसी लगी तुम्हें शीला भाभी? बाप रे बाप चपर 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 पर मज़ेदार है. हाँ बोलती तो बहुत है लेकिन तुमने एक बात का ध्यान ही नहीं दिया, सच बोलती हैं वो. मतलब? मतलब कि अब शादी के पहले दिन हम लोग काम वाम थोड़ी कर पाएंगे ज़्यादा. अच्छा तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आया. क्या? 2 मिनट तो दो, मैं आया. रुको अब मैं. एक सेकेंड. क्या? छी ऐसे गाने रखते हो फोन में? ओ हेलो 7 रुपए में डाउनलोड किया है मैंने. एक नंबर के ड्रामेबाज. चल
पहले इस हॉस्टल रूम को फैमिली रूम तो बना लो, पकड़ो शुरू हो जाओ। पकड़ पकड़, गिर जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है भाभी अंदर। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, नो टॉकिंग। अरे एक ही थाली में लाई हूं, प्यार बढ़ता है। थैंक यू। नहीं नहीं आई, बैठी। तूने तो बड़ा फैमिली रूम बना लिया। चाय लेंगी? नहीं नहीं बैठी ना, क्या हो गया? जा रही हूँ, बड़ा आया, जस्ट मैरिज। गुड नाइट। कौन था वो? शीला भाभी थी, खाना देके गई। तुमने मना क्यों नहीं किया? मैं तो बनाने लग गई थी। कोई नहीं, दो मेरा बैग। कहाँ हो तुम? मैं अकेले इतना भारी बैग लेके आई हूँ। हाँ, ये क्या है? भूषण, स्कूटर क्या कर रहा है यहाँ पे? बारिश रोज होनी चाहिए। बात मत घुमाओ तुम। स्कूटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भीगे जुगनू बिखर कर खिले सेज पर चांदनी की सिकाई शर्माई सी सौंद सजनी पिघल कर सजे जिस्म पर इस बदन पर थी सौतन की परछाई भी कोरे साजन विभाजन तेरे प्रेम का दो किनारे सही नदी है वही। बारिश रोज क्यों होनी चाहिए? क्यों? स्कूटर देख रहा है।
मसलते हो जी मेरी अंगड़ाइयां जाके उसकी कलाई करते फिरो अब के चलते जो लट फिर उलझाई ना अब के चलते जो लट फिर उलझाई ना हट करूंगी मिनते करो रे साजन ओ रे साजन विभाजन तेरे प्रेम का सिरे दो सही सुई है वही ओ ड्रामे बाजी इधर फिर चलेगी नहीं उस बल्ला पर गया ध्यान फिर जो कभी ड्रामे बाजी इधर फिर चलेगी नहीं ऐसे दिन भर तुम घर उसी की सुनो ऐसे दिन भर तुम घर उसी की सुनो सब तलब की बहरे साजन ओ बहरे साजन विभाजन तेरे प्रेम का पहिए दो सही डगर है वही जानू जी ये डब्बा ले जाना जरूरी है क्या शादीशुदा हो अब से ऑफिस शादीशुदा की तरह ही जाओगे अच्छा मतलब रोज लेट अगर शीला भाभी जानती है तो बॉस भी जानते होंगे कि नई नई शादी में लोग वैसे सुबह लेट से उठते हैं ये लीजिए जाइए ओफो चलो निकलो दो दिन हुए नहीं लिए हुए और बुड्ढों की तरह खास रहा है हट नजर लग गई होगी किसी की मारो मत अब ठीक भाई अगर ऐसे ही रहा ना तो तुम्हें रोज काजल से लेना पड़ेगा मुझे अच्छा अब नहीं हो रहे लेट आज छुट्टी कर लूं टाटा भाई है
अच्छा पुराना स्कूटर, अरे खटारा हो गया था, बेच दिया। ये सही है ना? हाँ। अरे फ्रेंड, अरे नहीं यार, जो 25 साल मैंने वो, अब कैसे होगा, शादी कर ली मैंने। ये ले, ये तेरे पार्किंग है, और ये बिस्की मिठाई का। अच्छा पर्ची दे दे। लगा ले स्टैंड पे, स्टैंड पर लगा ले, ध्यान रखिए उसका, आराम से, आराम से, अरे आराम से देख के थोड़ा। स्टूपिड है, बंद करेगा या आओ मैं नीचे। अरे क्या हुआ भाभी, बच्चा ही तो है। पसंद है तुझे बच्चे? हाँ। अरे भाभी ये देखिए। और ये वाला। ये मेरा फेवरेट है। बड़ा प्यारा लग रहा है इसमें। हाँ। कहाँ से निकाल लाई? सब दीमक लग गई। इसको साफ कर ले। हाँ थोड़ी देर धूप में सुखा देती हूँ। सब लगा दे। पहुंचा है, गलती से आ गया होगा। अच्छा एक बात तो बता जी, कितने बॉयफ्रेंड घुमाए तूने शुरू से अब तक? 10? 10 नहीं, हाँ 10वीं में एक था। पास वाले बॉय स्कूल में पढ़ता था। हाँ तो फिर? फिर क्या, मामा जी को पता लग गया और मामा जी ने उसके हेडमास्टर को बता दिया। बहुत बेटाई हुई बेचारे की। अच्छा हुआ, मेरे टाइम पे तो गोलियां चल जाती थी। अच्छा तेरी कोई बहन नहीं है? नहीं, क्यों? ऐसे ही, मैं तो अपने योगी के लिए पूछ रही थी। अरे मेरा भाई, कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं, काश तो मुझे पहले मिली होती। पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, आप मुझे पसंद नहीं करते। अच्छा जी, तो फिर कैसे घटाया? जिमिंग शिमिंग। हाँ। नहीं पता नहीं, ऐसे ही घट गया। एक बात बताऊं जी, सही जगह पे चर्बी हो तो बहुत काम आती है, हस्बैंड लोग काबू में रहते हैं। अच्छा सुन, बाहर जाए तो गला थोड़ा ढक लियो। हेलो जानू जी, मिस कर रही थी ना जी? नहीं। अच्छा
फोन क्यों उठा लिया मेरा? आपने फोन क्यों किया बोलो? याद दिलाने के लिए। याद? क्या? भूल गई तुम? और तो बोल रही थी घर से निकलने से पहले कि ऐसे ऐसे करना, खुद ही भूल गई हो। मैंने क्या बोला था? अच्छा याद करो, मैं भी नहीं बताऊंगा। नहीं याद आ रहा है। याद नहीं? जब मैं सुबह निकल रहा था यहाँ से स्कूटर पे बैठने वाला था, तुमने कहा था मुझसे स्कूटर पे अच्छा याद नहीं आ रहा है। नहीं बोलो भी, अभी नहीं याद आ रहा है मुझे। तुम नहीं कह रही थी कि घर जल्दी आ जाना, मैं अकेले नहीं रह सकती। अच्छा जी, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं बोला था। अच्छा अच्छा, अब इतनी जिद कर रही हो तो मैं आ जाऊंगा जल्दी। हाँ हाँ आ जाओ। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। आज अच्छा मूवी देखने चलेंगे? मैं वो ब्लू वाला लेंस भी पहन लूंगी। क्या हुआ? अरे जाने मत, अरे सिनेमा हॉल में कोई जाके अंधेरे में तुम्हारी आंखें क्यों देखेगा? एक काम करते हैं, हम लोग ना कल चलते हैं मॉल, तुम वहां दिखाना अपने जलवे। हैं? हाँ ये ठीक है। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। एक नंबर के बदमाश हो तुम। अरे जाने मन, अभी तुमने हमारी बदमाशियां देखी कहाँ है? मैंने क्या, शीला भाभी ने भी देख लिया है। क्या देख लिया शीला भाभी ने? अच्छा चलो रखती हूँ मैं, जल्दी आओ। अरे अरे सुन सुन, नहीं 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 बाद में बताऊंगी, जल्दी आओ। बाय बाय बाय। ए रमेश पानी लाओ। तूने साले जिंदगी बना चाहे शांति रहेगा साले तू। बैठ लुवे, पूरे दिन चलाओ सब्जी हैं, उसके बाद आ जाओ यहाँ। उधार वैसी ही है तुम्हारा तो? कम बोलो। तू क्यों हंस रहा है भाई? वैसी आ रही है तो हंस रहा हूँ। वे गंडे बहुत हंस रहा है तू। तेरे को पता है साले जो रात को तो चाय पिलाता है ना, मूत की तरह पिलाता है साले तू। ए अबे तो पीते क्यों, जबरदस्ती करता हूँ मैं तुमसे? अबे कहीं और चले जाया करो। अरे भाई कोट भाई, फ्री में पिलाएगा ना तो जहर भी पी लेंगे। मैं चाय तो बहुत बड़ी चीज है। सही कह रहा है ये। एक दिन जरूर पिलाऊंगा, इस गेंडो को सबसे पहले पिलाऊंगा। अब पिला पिला, जितनी पिलानी है पिला भाई। दूध? ओह दूध, हाँ आ जाओ। मिलेगा यहाँ? हाँ हाँ। क्या हाल है भाई कूट? अरे बढ़िया भूषण भाई। अच्छा कूट एक काम करो यार, एक पैकेट दूध दे दो। अरे बिल्कुल। फुल क्रीम देना। फुल क्रीम? हाँ। अरे भैया टोंड है? अरे टोंड भी है? हाँ। अच्छा टोंड चाहिए? हाँ ठीक है टोंड दे दे के लिए। थैंक यू। अच्छा तुम्हें पता है इसका नाम कूट कैसे पड़ा? कैसे पड़ा बता भाई। अरे दादा यही बताएगा। अरे अरे शर्मा क्यों रहा है, बता दे। खड़ी है वो। तो बताओ। अरे अरे बताओ भाभी जी, क्या बताएं। अब हमारे बाबा भी चाय बनाते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ, अम्मा जो है हमारी पर्दे में बांधकर हमें खाना बना रही थी पीछे। अब जब बना रही थी इतने में दो अंग्रेज आए चाय पीने। अब अंग्रेज आए तो देखा हमें, देख के बोले कूट कूट कूट। हमारे बाबा को तो अंग्रेजी का शौक, समझे आप? बाबा को अंग्रेजी का शौक था, तभी हमारा नाम पड़ गया कूट। और जब से साले ये लोग सब कूट कहते हैं। सब हंसते हैं सब। अच्छा भाई कितने हुए? हाँ बस 17 रुपए। 17 ये लो, 7 सुबह ले लेना। बिल्कुल चलो। ये ले मनु। चलो उधारी क्यों रखते? नहीं चाय पी। अरे वो खुली नहीं है। भाई 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 शादी मत करियो भाई। क्यों बे? बे उसको देख, साला पहले पौवा खरीदता था और आज साला दूध खरीद रहा है। अबे शकल के बुरो आँख के अंधों, इधर आओ। क्या? अबे ये देख रहे हो दूध खरीद रहा है। अबे ये भी तो देखो दहेज में मलाई भी तो लाया है। सही कह रहा है, ये आराम है भाई, ये बढ़िया बात कही। पापा पापा चलो ना, मम्मी बुला रही है, आज खाने में पूरी है। चलो ना पापा, चलो ना, आज खाने में पूरी है।
इधर आओ। मम्मी ने पूरी भेजी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? पूरी। पूरी? आपका नाम पूरी है? हाँ? सोनू, मम्मी बुला रही है। ए, अरे तो मैं आज से आपको पूरी बुलाऊंगी, ठीक है ना पूरी जी? भैया 100 का डलना। बट भोसड़ी साला, जब मैं लेट हो रहा था ऑफिस के लिए तभी तुम्हें साला पार्किंग बंद करनी पड़ती है। रोज नया रूप कर ले धारण, इसकी है पूंजी उसका है वाहन। रोज नया रूप कर ले धारण, इसकी है पूंजी उसका है वाहन। कैटल क्लास का है के भैया, कैटल क्लास का है के भैया, मैंगो जनों के सुख का साधन। बनी कहानी चटपटी, सिर्फ नहीं ये फटफटी। बनी कहानी चटपटी, अरे जल्दी पकड़ यार, चल पर्ची दे। पर्ची? हाँ भाई पर्ची दे, स्कूटर लगा। पर्ची अभी छपी नहीं है। हाँ? पर्ची नहीं छपी अभी। अरे भाई चोरी वोरी हो गया फिर? क्या सर जी, तुम्हारे स्कूटर खड़ा है यहाँ पर, कोई और स्कूटर नहीं खड़ा है यहाँ पर। स्कूटर की गारंटी हमारी, समझे? अरे यार तुम कमाल करते हो यार। चलो यार, यार परेशान करते हो, लेकिन ध्यान रखना ठीक है। स्कूटर नहीं है तुम्हारा भाई, हेलीकॉप्टर ले आयो यहाँ पर। नमस्ते। थोड़ी गाजर डाल। गाजर रहने दो, अच्छी नहीं है गाजर। आलू डाल। आलू टिंडे डाल। हाँ ये रहे टिंडे। ये क्या सड़े सड़े टिंडे डाल रहा है? अच्छे टिंडे क्या अपनी माँ की बारात के लिए रखे हैं? अरे सबसे अच्छे टिंडे तो आप ही को देंगे हम, आप भी तुम्हारी माँ की तरह ही हो। ज्यादा बात ना कर, हाथ चला हाथ, उल्लू का पट्टा। और बताओ क्या कह रही? ₹102। हाँ जी। कितना? आपके हो गए ₹50। ये लीजिए।
हेलो दिन कितने हो गए यहाँ खटे खटे? एक महीना हो गया मामी जी। पता नहीं बेटा, ऊपर वाले ने क्या सोच के रखा है तेरे लिए। पहले दीदी, भाई साहब और अब सब सामान मिल गया भूषण का। अरे ट्रेन पलटी है, कई बार तो बंदा भी नहीं मिलता। तुम सामान की बात कर रही हो? और बटुआ, हमने जो सोने की चेन दी थी वो? पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस का बस चले तो कफन भी ना छोड़े, बटुआ चेन तो बहुत दूर की बात है। और वो फटफटी, वो भी नहीं मिली। हाय, वो तो बिल्कुल नई थी। नई नई तो ये भी थी, दोनों एक ही दिन तो आए थे। अब पता नहीं मनु उस स्कूटर है या ये। चलो चलो, अब चलना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। चलो अब। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानियो, ये रंगीन कपड़े कब तक पहनेगी बेटी? ससुराल वाले नहीं तो क्या रिवाज भी नहीं है? लोग कहेंगे मामा मामी ने इतना भी नहीं सिखाया। तो तू ना धीरे धीरे आदत डाल ही ले।
पर ढाबे से रोटी का तेरा बाप लेके आएगा? अबे हरी चटनी लेता ये होए मोमो होए साले हरामी। की क्या जरूरत थी भाभी? अरे वाह टाइगर बिस्किट, फिर तो आप चाय भी भाग बकरी यूज करती होंगी। मजाक कर रहा था। और सुनाइए, आप बताइए। बस भगवान का आशीर्वाद है। चल नहीं, मतलब यहाँ पे आना कैसे हुआ? अब क्या बोलूं, भाई तो बिना बताए चले गए। दुर्गा माँ, तू अच्छे लोगों को अपने पास क्यों बुला लेती है? भूषण ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। अच्छा, भूषण ने तो कभी मुझे बताया नहीं। आप भूषण का नाम लेती हैं? नाम है तो लूंगी ना, जेल थोड़ी ना है कि नंबर से बुलाना पड़ेगा। आप तो बहुत मजाक करती हैं। नहीं नहीं, लीजिए लीजिए, आपके ही पति मतलब थे। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि भूषण मेरे पास आए, बोले कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो उससे बोले कि राकेश 5,000 रुपये दे दे। कहा भाई जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ले ले 5,000। हाँ जी, आपको बताया नहीं होगा, वैसे भी मर्द अगर सारी बातें औरतों को बताने लगे तो सारे पत्ते खुल नहीं जाएंगे। माना छोटा सा अमाउंट है, लेकिन भूषण मेरे पीछे पड़ गया था कि राकेश मैं पैसे वापस देने हूँ तो पैसे वापस ले लियो, मना मत कर दियो। गिन लीजिए। नहीं नहीं, क्या बात करती है भाभी जी। कम से कम दाल रोटी का खर्चा तो निकल जाएगा तेरा। क्यों? मैं तो बस टाइम पास करने के लिए करती हूँ, घर थोड़ी चलाना है, थोड़े शौक पूरे कर लेती हूँ। कभी सेंट ले लिया, कभी कुछ। उस दिन बलदेव जी के लिए एडिडास के जूते ले लिए। हमारा तो अच्छा खासा बिजनेस है। मैंने सोचा तू मेरा हाथ बटाएगी तो थोड़ा कमा भी लेगी। क्यों भाभी, ठीक है? रंग थोड़ा फीका है, थोड़ा मिर्ची पाउडर और डाल, और धनिया धनिया लेके आती हूँ मैं। हाँ
क्या बात है पूरी जी? मुझे अचार चाहिए। अच्छा, इसलिए मम्मी के जाते हम पे प्यार आ रहा है इतना? मुझे अचार चाहिए, दो ना, मम्मी नहीं देती है। नहीं दे दो ना, प्लीज। प्लीज दे दो ना। नहीं प्लीज। मुझे अचार चाहिए। नहीं मिलेगा, मम्मी नहीं देती है। बाय बाय। ले डाल दे। पत्ते घेला भोसड़ी के। तू मेरे सामने डुम डुम, मैं तेरे सामने डुम डुम, तुझको देखूं के प्यार करूं, ओ यो कैसे हो गया, ओ तू मेरी हो गई, ओ कैसे मैं एतबार करूं। अबे भोसड़ी के, अबे क्या पूरी रात रम में पेप्सी, पेप्सी में रम, अबे यही करता रहेगा क्या? पिला भी दे भाई। डटा रे भाई, डटा रे, हर चीज में जल्दबाजी ठीक नहीं है। ए भाई, गधे पे तो गधे जल्दी मचाए हैं। ए बिस्तरे पे जो जितनी ज्यादा देर वो उतना बड़ा शेर। ए लो भाई आ गया मेरा शेर। मनु भाई, मनु तू शेर है भाई, भाई तू ही शेर है भाई। क्या बात हो गई? अबे दारू का है। अबे इसे बेंचो को मिलाने दे, तू मेरे को बियर पकड़ा। बियर साले, आज हम शेर कैसे हो गए? अबे तू इस लोड़ को छोड़ ना, तू दारू भी दारू में दे रहा है तुझे। दे देना कड़वी है क्या? थोड़ा पकड़ इसको। हल्का हो क्या? जा हल्का हो क्या? अबे तू चाय भी ऐसी बनाता है क्या? चाय पेप्सी। मैं मुर्गी चोर। बोलना, हम शेर कैसे हुए? तू नहीं है तो और कौन है? ले लिख के देता हूँ, मनु शेर। अबे मात्रा जुट गई। बोला, तेरी तो स्याही भी खत्म हो गई है। तेरा खड़ा होता है मास। अबे ये नहीं, तेरा ठेला जहाँ खड़ा होता है, तू सब्जी देने जाता है जहाँ, वहीं पे वो नई नवेली दुल्हन, उसका पति आउट ऑफ स्टेशन। साले तूने दिल की बात कह दी। मस्त माल है ना। जब भी मैं देखता हूँ ना तो खाली एक मौका मिल जाए बस। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बाजार जा रहा था, कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं,
अच्छा भाभी जी, आपसे क्या छुपा है? अब हमारा गुजारा तो यहीं के किराए से चलता है, तो मैं सोच रहा था कि आपको ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दें। और इसमें पराई बात भी क्या है, आप अपनी तो हैं, अब आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऊपर वाला कौन सा कमरा? अरे वो छत वाला कमरा, जब मेरी शादी हुई थी तो अपने भाई के लिए बनवाया था, अब वो तो झगड़ा करके चला गया। उस कमरे में तो आप अपना पुराना सामान और कचरा वचरा। अरे नहीं नहीं नहीं, बरसाती है वो, बरसाती, और साथ में अटैच खुला आसमान भी है। एक खिड़की भी नहीं है वहाँ। अच्छी बात है ना, खिड़की नहीं है। आपको तो पता ही है यहाँ के लड़कों का, खिड़की होगी तो ताक झांक करेंगे। मानता हूँ कि कमरा थोड़ा छोटा है, पर किराया भी तो छोटा ही है। मांग मांग के सैया को सताए इतना, मांग भरे थे उनसे और मंगाए कितना। मांग मांग के सैया को सताए इतना, मांग भरे थे उनसे और मंगाए कितना। भर लाए थे जो हाथ से वो झोली सर के, जो गया रे सो गया, जो हो गया रे हो गया, जो रह गया हो जो रह गया, अब उसका मोल लगाए कितना। जो रह गया अब उसका मोल लगाए कितना। मांग मांग के सैया को सताए इतना। अरे योगी, पायलट को देख आ गया। कितना टाइम लगा दिया आने में तूने, ब्रेकफास्ट के टाइम आऊंगा बोला था। अरे दीदी काम इतना है, तीन दिन साइट्स पे एक साथ काम चल रहा है, खाली थोड़ी ना बैठा। बीजी मैन हो गया मेरा भाई, थोड़ा हुआ। आजा आजा बैठ। कितने दिन हो गए तुझे देखे, कितना दुबला भी हो गया। तो आराम से बैठ, मैं तेरे लिए रूह अफ़ज़ा लेके आती हूँ। ठीक।
यही रख दे। ले आया? हाँ हाँ वही रख दे, पैसा शाम को दे दूंगी। अच्छा जी। दीदी सोनू किधर है? ऊपर, और कहाँ, सारा दिन बैठा रहता है अपनी आशिमा दीदी के पास। आशिमा? अच्छा जी, शॉर्ट मेमोरी में लॉस हो गया तेरी, पहली बार सुना है नाम। हाँ फोन पे इतने दिन से किसका नाम ले रही थी? अरे क्या दीदी आप पी ले, याद आया? कुछ दिन और रुक जा, फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो स्वीटी बेबी डार्लिंग। खुश है मेरा भाई। ठीक है ठीक है। और क्या चल रहा है भाई? बड़ा अच्छा काम कर रहा है मेरा भाई, हर हफ्ते बड़ा बड़ा आर्डर आता है। अच्छी बात है, करो करो। अब सेटलमेंट हो गई तो मैंने सोचा चलो शादी की बात शुरू की जाए। अभी शादी? लड़की देखी है कोई? जी मुझे तो ठीक ही लगी। शर्मा रहा है, बहुत पसंद है इसे। हमें भी तो फोटो फोटो दिखाओ। फोटो क्या, आप तो रोज देखते हो। हर रोज? कौन है भाई? वो अपनी आशिमा। आशिमा विधवा है वो? इस चूते की शादी कराओगे उस विधवा से? डंडी खाना खोला हुआ है यहाँ? सीरियल देख देख के मॉडर्न हो गई है। चॉकलेट? अभी नहीं है चॉकलेट, चल जा। दो ना। अरे रुक जा ना, तुझे चॉकलेट की पड़ी है, भाग जा से। सोनू क्या हुआ? माँ जी चॉकलेट नहीं दे रहे। चल मैं देती हूँ। Thank you.
सोनू कहाँ है भाभी? तीन दिन से आके बैठा है, एक बार मिल ले, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? आंखें फाड़ फाड़ कर मत देख मुझे। भाई है मेरा इसलिए नहीं कह रही हूं, अच्छा कमा रहा है। और कब तक ये विधवा बन के बैठी रहेगी? कोई रिश्तेदार नहीं आता पूछने। अचार बेच के कब तक चलेगा? चल तो रहा है। जो होना था सो हो गया, तेरा कसूर नहीं था। तू क्यों भुगते? मुझे क्या पता। बचपना मत कर, शादी की जरूरत है तुझे? एक दिन की शादी के लिए पूरी जिंदगी मरे हुए के साथ रिश्ता निभाएगी तू? कोई रिश्ता नहीं था। कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता बनने से पहले ही चला गया वो। शक्ल भूलने लगी हूँ मैं उसकी। आपको पता है मेरा फेवरेट रंग कौन सा है? गुलाबी। पर देखो सफेद पहनती हूँ। रिश्ता नहीं रसम निभा रही, समझे? पर इसका मतलब ये नहीं कि शादी कर लूं बिना जाने, बिना प्यार किए, जैसे भूषण से कर ली थी। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? आशिमा, तेरे लाइफ में मर्द की जरूरत है क्योंकि तू अभी भी बच्चा पैदा कर सकती है। या फिर इसलिए कि क्या आपके भाई की शादी की उम्र हो चली है? क्या लगता है तुझे ये सब मैं अपने भाई के लिए कर रही हूं? अरे निगल जाएंगे ये तुझे एक दिन में। सुंदर है, अकेली है, एक दिन में साफ कर देंगे तुझे। और सुन, बलदेव भी होंगे उन दरिंदों में। क्या लगता है तुझे मैं अंधी हूं? दिखता नहीं मुझे?
आ रहा है? जी मैं हाँ जी बिना कुछ किए ही जा रहा है? जी वो जी मैं तो इसके लिए आया था ना, फूल वूल बना के टाइम पास क्यों कर रहा है? ले और खत्म कर ले। बहुत बड़ी चीज नहीं है तू, समझी क्या? ये ले ढक ले, समझी? गुस्सा हो नहीं तो वो तो क्या कर रही है पागल लड़की, जल जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। चलो बोलो, माफ कर दिया। नॉटी गर्ल कहीं की, पर मैं फिर भी गुस्सा हूं। भाभी माफ कर दो, तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा, तब मिलेगी माफी। बोल बोलो, करेगी क्या? नहीं अरे मैं तुझे योगी से शादी करने के लिए नहीं कह रही हूं, के नए बॉटल्स ऑर्डर दिए हैं, योगी को ले जा और ले आ। फिर ठीक है। चल फिर तैयार हो ले। हाँ मैं योगी को भी बोल देती हूँ, ठीक है, मनु रिक्शा में छोड़ आएगा। Yeah.
कब तक यूं किश्तों में सांसे चलेंगी, रगों में बहेगी उदासी, कब तक यूं चलेगा तमाशा तड़प का, चलेगी समय की उबासी। तुझे क्या पता क्यों अपनी ही दरस ना पाए। रानी तू मेरा जा, हेलो जी सब्जी वाला है, इसने सारा मजा बिगाड़ दिया। कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहा था। अच्छा, मुझे तो सामान चाहिए था कुछ। अभी तो बंद कर दिया। खोल लीजिए, है ना, बस 5 मिनट। मिर्ची चाहिए थी और टमाटर, थोड़ा सा गोभी और बस, और कुछ नहीं। कैसे कटेगा ये? दे दीजिए निकाल के। चलिए चलिए जी, चलिए जी। अभी वो टमाटर आलू जो भी सब हम खोल देंगे आपके लिए, मतलब ये। अच्छा, वो उस रात के लिए सॉरी है जी। आज रात के लिए थैंक यू है जी। गुड नाइट। जी
हम सोच रहे थे कि जब आपने हमें माफ कर ही दिया है तो हमने सोचा कि जी क्यों ना अपना गमछा वापस ले लें जो रह गया था। एक मिनट जी। वो बच्चा नहीं रहा जी, उसके भी अपने अरमान हैं जी, मान जाओ ना। आज भी थकते नहीं हो जी? आपने कुछ भूला नहीं? सारा दिन मुंह लटका के बैठा रहता है मेरा भाई जी, मान जाओ ना। जो करना है कर। कर रहे यहाँ पे तू? चल यहाँ से। लगता है बात बन जाएगी। बात हुई उनमें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे थोड़ा शर्माती है पर नो टेंस, मैं हूं ना। बेडिंग के बाद देखना चुप नहीं करेगी आसिमा, मैंने उसे नई दुल्हन बने भी देखा है।
जान से मार देंगे हम। हीरो है क्या तू? हाँ? हल्के बना ले हमें, सच कह रहे हैं मार देंगे हम। तो फिर विलन है? हाँ? विलन है क्या? गन छाना तेरे पास? और तू हीरोइन है तू? हाँ? बात क्यों करती थी मुझसे? बात किया तो क्या हुआ? गलती हमारी ही है, रेड़ी वाले थे, मेम साहब ने 2 दिन प्यार से बात कर लिया तो हमें लगा कि प्यार हो गया, सब हरामीपन भूल गए हम। ठोक डालना चाहिए तो उसी रात उस साला। मुझे उस रात भी कुछ नहीं करता। मिल गया यार तुझे, एकदम नया स्कूटर था, इंजन से थोड़ी आवाज आती है पर बिल्कुल टिप टॉप है। सीट अभी भी नहीं है, मैंने रख ली है, शाम को तू और मैं बैठ के पत्ते खेलेंगे सोफे पे। बाहर निकल जाना, सीता इज अ वेरी अफेक्शनेट मदर, उम्र 27 साल, बीए पास, घरेलू लड़की के लिए वर की तलाश। घरेलू तो सब ऐसे ही लिख देते हैं। क्या कर रहे, किसने दिया तुझे ये? छोड़ इसे, छोड़ छोड़। एयरप्लेन बना रहा था। सब्जी बेचेगा तू? पूरी जी,
ये मेरे लिए? चलो चौबीस घंटे रनिंग वाटर है पर बिल अलग से लगेगा। वाओ, वी लाइक द रूफ लोड़ा जी। लोड़ा नहीं, लोधा। वैसे आप बलदेव ही रहने दीजिए। एक दुलत्ती और दे भाया, धरती पे आसमानी काया। एक दुलत्ती और दे भाया, धरती पे आसमानी काया। कौन है बोझा, कौन सवारी, किसकी थी बारी, किसने चलाया। सड़क है अटपटी, सारथी ले फटफटी। आगे सड़क है अटपटी, सारथी ले फटफटी, फटफटी सारथी ले फटफटी।